नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे इंडिया और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दुनिया में 24 घंटे में आए 7,72,000 नए केस, 13,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्राजील अमेरिका के बाद भारत में हुए सबसे ज्यादा मौतें। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 780 लोगों की हुई मौत, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,32,00,000 के पार और मौतों का आंकड़ा 1,68,000 के पार पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का हुआ मतदान, 44 सीटों के लिए डाली गई वोटिंग। बंगाल में 44 सीटों पर वोटिंग को लेकर दिखी जनता में तेजी, कई पोलिंग बूथ के बाहर दिखी लंबी लाइनें। बंगाल के कूचबिहार में वोटिंग के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा, केंद्रीय बलों ने हिंसा को शांत कराने के लिए की फायरिंग, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। बिहार के किशनगंज टाउन के SHO अश्वनी कुमार को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। चोर को पकड़ने के चक्कर में सीमा पार कर गए थे बंगाल के SHO। बिहार के SHO की मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अब काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगाई गई रोक। अमेरिकन रैपर DMX का 50 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि। IPL 2021 के पहले मैच में RCB ने मुंबई इंडियंस को दी मात। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 160 रन का दिया था लक्ष्य। बहरहाल, ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहे खबर टुडे इंडिया के साथ। नमस्कार।